Good evening, everyone. Good evening, sir. Okay, बेटा चलो पहले तो मुझे एक बात बताओ, कोई डाउट है इस शीट के अंदर तो पहले तो वही डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी FRS GOC है बेटा, ये वाली शीट, इसके अंदर कोई डाउट है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फाइव क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यू कैन आस्क राइट नाउ, अगर पहले पांच क्वेश्चन में कोई डाउट है, जिसका डाउट है बेटा हैंड रेज कर लेना, फिर मैं पूछ लूंगा। ओके, फर्स्ट फाइव क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट नहीं है, दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट ट्राई करते हैं जी, सिक्स टू लेके टेन तक, सिक्स टू लेके नाइन तक कोई डाउट हो जी किसी का? हाँ ध्रुव बोलो बेटा। सर एट्थ क्वेश्चन। ओके एट्थ क्वेश्चन, हाँ जी नाइन तक कार्तिक और बोलो, सो एट्थ ही आपका भी था। ओके जी, और किसी का नाइन तक कोई डाउट रह गया? उदय कौन सा बेटा? सर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन, ओके ओके जी, नाइन तक किसी और का कोई डाउट रह गया हो फिफ्थ और एट्थ के अलावा? चलो पहले फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ प्राची आवाज नहीं आ रही बेटा। सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, ओके जी, फोर्थ फिफ्थ एंड एट्थ, चलो बारे बारे डिस्कस करते हैं। पहले फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? रेडिकल इज एरोमेटिक। देखो अब थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन हो गया ये, कैसे? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो ये रेडिकल एरोमेटिक है ही नहीं, है ना प्राची? यस सर। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो फ्री रेडिकल्स में हमने कभी एरोमेटिक नेचर यूज ही नहीं करी, हमने या तो कार्बोकैटायंस में यूज करी या कार्बन आयन में, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे देखो एक चीज समझना जी, यहाँ पे इसने इसको एरोमेटिक बोला है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्लियरली क्लियरली रिंग पार्ट एरोमेटिक है, रिंग पार्ट एरोमेटिक है, बिकॉज वो बेंजीन है, हैज बेंजीन। जो इस क्वेश्चन में जो रिंग पार्ट है वो एरोमेटिक है क्योंकि वो बेंजीन है, लेकिन अगर मैं फ्री रेडिकल को बीच में इन्वॉल्व कर दूंगा, ये वाला फ्री रेडिकल, ठीक है जी, नॉट इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिक, नॉट इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिक, ओके दानिश बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने उसको एरोमेटिक बोल रखा है, तो अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है प्राची। मैंने ऑर्गेनिक में बेटा बार बार आप लोगों को समझाया, थोड़ा जो भी हमने सीखा है वो सही है, लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सीबिलिटी से लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। बस अब आंसर कर देंगे जी, मैंने बोल ही दिया, अगर मैं इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर दूं, फिर तो टेक्निकली दो पाई बॉन्ड, सॉरी तीन पाई बॉन्ड्स रेजोनेंस में है, 3 to 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, 7 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 7 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला तो 4n+2 रूल को सेटिस्फाई नहीं करता, फिर तो वो एरोमेटिक ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब जब क्वेश्चन खुद उसको एरोमेटिक बोल रहा है, तो पक्का पक्का वो अनपेड इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा एरोमेटिक नेचर के अंदर, ठीक है भौमिक? ओके बेटा ना। तो अब फिर हमने रिंग पार्ट को एरोमेटिक देखना है, अब तो आसान आंसर अब तो हो जाएगा ना फिर प्राची। अब रिंग पार्ट को एरोमेटिक देखना है बेटा, रिंग पार्ट तो सिर्फ इतना सा है, ये है इसके अंदर एरोमेटिक। अब बताओ इसमें एरोमेटिक जब होगा तो तीन पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व है, हर एक पाई बॉन्ड के अंदर पी ऑर्बिटल होती है, ठीक है जी, तो टेक्निकली यहाँ पे 6p ऑर्बिटल्स होंगी, और वो 6p ऑर्बिटल्स 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाली होंगी, उन 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली 6p ऑर्बिटल ने मिलके 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर देने हैं, उससे फिर हमारा आंसर ए पार्ट आ जाना है। अब क्लियर है बेटा? यस सर। चलो जी, ये स्पेशल सा क्वेश्चन हो गया, फोर्थ अच्छा हो गया, क्योंकि एक बार पहली लुक में तो लगता है कि हम अटक गए यार, एरोमेटिक तो है ही नहीं, बट ये जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। लो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं जी। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन भी डाउट पूछा गया था, वो डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, है ना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टॉटोमेरिक कंपाउंड्स इज, बेसिकली ये सारे आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना, ये इसके साथ, ये इसके साथ। मैंने आज आपको बेटा आफ्टरनून में कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके बताए, मैं अगेन रोज रोज जेई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन, नीट के प्रीवियस क्वेश्चन देखता रहता हूँ, तो वो देख के जो मुझे लगता है कि जो टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको हाईलाइट किए थे, तो प्लीज जो टॉपिक्स मैं ग्रुप में आपको मेंशन कर रहा हूँ उनको जरूर थॉरो करना,
उसी से आपका जेई मेंस का या नीट का एग्जाम जो है वो बेटर होने के चांसेस हैं। सो मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज डू टेक केयर ऑफ माई मैसेजेस विच एवर आई पोस्ट इन द ग्रुप। चलो जी, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आके बात करते हैं जी। अब देखो, टोटोमर्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है, टोटोमर का ही क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर है। आपने नोटिस किया बेटा, ये आपकी कीटो फॉर्म है, ये आपकी इनॉल वन है, इनॉल फॉर्म वन, और ये आपकी इनॉल फॉर्म टू है जी। सही है सर। एक बीच वाला जो कीटो है, मैं आपको अगर बीच वाले कीटो से शुरू करके दिखाऊं तो बेसिकली ऐसा है सर, ये सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो, फिर सर सी एच टू सी डबल बॉन्ड हो, सर ये सी एच थ्री, सर ये दोनों तरफ कीटोन है, तो एक कीटो फॉर्म है, ठीक है सर। अब सर कीटो से इनॉल बनाते कैसे हैं सर? सर कीटो से जब इनॉल बनाते हैं तो कीटो के रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन होता है, वो अल्फा कार्बन जो भी होता है, वो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हम क्या किया करते हैं, हम सीरल बॉन्ड होके ओ पे शिफ्ट कर दिया करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अल्फा वन बोल देता हूँ, इसको मैं अल्फा टू बोल देता हूँ। अगर मैंने अल्फा वन वाले कार्बन का अल्फा एच शिफ्ट करके मैं दूसरी तरफ ले गया तो यहां पे बनना शुरू हो गया सर सी एच टू डबल बॉन्ड सी ओ एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ठीक है जी, ठीक है जी, ये बनना शुरू हो गया सी डबल सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ये बनना स्टार्ट हो गया। तो सर ये इसको मैंने नाम दे दिया इनॉल वन, यही मेरा जो क्वेश्चन में इनॉल वन दिया हुआ है वही वाला इनॉल वन बन के आ गया। तो इनॉल वन कैसे बनाया, इनॉल वन के अंदर मैंने इस अल्फा वन वाले कार्बन का एक एच कीटो के सीरियल बॉन्डों पे शिफ्ट करके पाई बॉन्ड को इधर ले आए, ऐसी इनोलाइजेशन करते हैं, ऐसे ही इनॉल फॉर्म बनाते हैं। अब सर अगर इनॉल फॉर्म टू बनाई होगी तो कुछ नहीं सर, मैंने ये वाले अल्फा एच को जो दूसरी तरफ अल्फा एच है, सॉरी जो मेरा दूसरी तरफ अल्फा एच है ये वाला, इस वाले को अगर मैंने शिफ्ट कर दिया सी डबल बॉन्ड ओ पे तो डेफिनेटली सर मेरा बनना शुरू हो गया सी एच थ्री सी, यहाँ पे ओ पे एच आ गया डबल बॉन्ड सी एच, क्योंकि एक एच चला गया तो यहाँ पे सी ओ सी एच थ्री, तो सर सही हो गया सर। सर जो हमने प्लस टू में आके जीओसी का पार्ट रिवाइज किया था उसके अंदर हमने आइसोमर्स वाला पार्ट रिवाइज नहीं किया था, तो भैया आइसोमर्स वाला पार्ट आपने अपने आप रिवाइज करना है, या फिर मैं एक काम करूंगा, मैं आपको आइसोमर्स के कुछ एक दो वीडियो लेक्चर्स के लिंक दे दूंगा, वो आप गो थ्रू कर लेना। जिसको लगता है कि हमें टॉटोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या आइसोमर्स में कोई प्रॉब्लम है वो आप वो लिंक देख लेना, ठीक है उदय? यस सर। नाउ जी कमिंग ऑन टू, अब ये समझ आ गया बेटा, ये मेरा इनॉल टू हो गया, ये जो है मेरा इनॉल टू हो गया। अब इन जनरल हम कहा करते हैं, इन जनरल नॉर्मली हम बताते हैं जी, नॉर्मली तो ऐसा होता है, नॉर्मली नॉर्मली आउट ऑफ कीटो एंड इनॉल कीटो इज मोर स्टेबल, हम ऐसे बोलते हैं कीटो जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, बट इन केस ऑफ बीटा डाइकीटोन्स, इन केस ऑफ बीटा डाइकीटोन्स इनॉल, ठीक है जी, इनॉल कैन बिकम मोर स्टेबल देन कीटो। बता सकते हो कौन से वाली इनॉल कीटो से ज्यादा स्टेबल होती है प्राची? आप ही बताओ। चलो हमने क्या फैक्टर्स बताए थे बताओ प्राची। सर जिसमें कॉन्जुगेशन हो यानी रेजोनेंस, वो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है। सिर्फ रेजोनेंस से काम चल जाएगा बेटा? दो चीजें चाहिए थे ना हमने, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, बिल्कुल, और ये हमने पर्टिकुलरली बीटा डाइकीटोन्स के अंदर बात की थी, बीटा कीटो एस्टर्स में नहीं हो पाया था, याद है ना? बीटा कीटो एस्टर्स की जब इनॉल फॉर्म बनाई थी, हालांकि उसमें भी रेजोनेंस और इंट्रा एच बॉन्डिंग होती है, वो इनॉल फॉर्म स्टेबल तो होती है लेकिन कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल नहीं होती। मैं एक बार बना के भी दिखा दूंगा। अब ये बीटा डाइकीटोन क्यों बोल रहा हूं, अब चेक करो जरा, बीटा डाइकीटोन क्या होता है? अगर सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो, सी एच टू सी डबल बॉन्ड हो, सी एच थ्री जो था ये मेरा बीटा डाइकीटोन कैसे था? अगर ये कीटोन है, ये मेरा कीटो ग्रुप है, ठीक है, अगर ये जो है मेरा कीटो ग्रुप है ये वाला, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, बीटा पे फिर से कीटो है, इसलिए इसको हमने बीटा डाइकीटोन बोला, और बीटा डाइकीटोन में इनॉल फॉर्म
मोर स्टेबल देन कीटो बनती है, कौन से वाली, जिसमें इफ एक तो उसमें रेजोनेंस हो, इफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड एक और चीज हो क्या, इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रा एच बॉन्डिंग। तो ये वाली इनॉल कीटोन से भी ज्यादा स्टेबल हो जाती है, लेकिन सिर्फ बीटा डाइकीटोन की नहीं, हर एक की नहीं, ये सारी कहानी हो रही है बीटा डाइकीटोन्स की। अब देख लेते हैं सर कैसे कह रहे हो आप, ये चेक कर लो। सर आप देखो सर, यहाँ पाई एक छोड़ के पाई रेजोनेंस होगी सर, बड़ा बढ़िया सर। और सर एक कमाल की बात होगी सर, यहाँ पे ये OH वाले H का इस O से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन गया सर, ये भी सही हो गया। लेकिन सर जो इधर इनॉल वन है, इसमें ये रहा पाई और एक छोड़ के दो छोड़ के इसमें नो पाई पाई रेजोनेंस, इसमें पाई पाई रेजोनेंस नहीं है। इसमें दोनों चीजें हैं, ये वाला एग्जांपल इस चीज के लिए, इसमें पाई पाई रेजोनेंस भी हो रही है, इंटर एच बॉन्डिंग भी हो रही है। तो ये वाली इनॉल कीटो से भी ज्यादा स्टेबल है, हालांकि नॉर्मली कीटो जो होती है इनॉल से ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन बीटा डाइकेटोन्स की वो इनोल जो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो, इंट्राच बॉन्डिंग वाली भी हो, वो कीटो से भी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। सो एज पर दिस टॉप, एज पर दिस लॉजिक, नाउ अब हमें पता लग गया जी, अगर हम नंबर दें, नाम दें तो उसने इसको वन बोला हुआ है, इसको वन बोला हुआ है, इसको टू बोला हुआ है, इसको थ्री। तो हमारे अकॉर्डिंग जो वन है वो सबसे कम स्टेबल, टू उससे ज्यादा, थ्री उससे ज्यादा। देखो जी मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये टू कीटो था, ये वन इनॉल वन था और थ्री इनॉल टू था। और एक कमाल की बात देखो सर, सर कीटो इनॉल वन से तो ज्यादा स्टेबल है, वो क्यों सर, क्योंकि वही तो नॉर्मली होता है, लेकिन इनॉल टू में एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी आ गई, एक्सेप्शनली मोर स्टेबल देन कीटो। जब हमने कीटो इनॉल टॉटमरिज्म क्लास 11th में करा था ना, तो हमने एसिडिक नेचर डिस्कस नहीं किया था। अभी मैं छोटा सा एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। देखो पहले जितना मैंने बताया ये क्लियर है, से यस और नो प्लीज एवरीवन। यस सर। ओके। यस सर। अब मेरी बात समझो, देखो मैं यहाँ पे एक आपको कंपाउंड बना के दिखा रहा हूं। अगर मैं बनाता हूं सर CH3 सी डबल बॉन्डो, CH2 सी डबल बॉन्डो, यहां पे लगाता हूं OC2H5। अच्छा जो हमने नाम याद किया वो मैं आपको बता दूं जी, ये पर्टिकुलरली ये वाला जो कंपाउंड था इसका नाम था एसिटाइल एसीटोन, कॉमन नेम जो था इसका। ये सर ऐसे नाम कैसे आया बता देते हैं सर। सर आपको पता है CH3COCH3 जो होता है, लेट अस से इसमें जो इतना पार्ट है वो एसीटोन पार्ट है, और उसके ऊपर आपने एसिटाइल ग्रुप लगा रखा है, इसलिए इसका नाम है एसिटाइल एसीटोन। सर जो ये ऊपर बनाया है ये आपने बनाया है इथाइल एसिटो एसिटेट, एक एस्टर बना दिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में सर EAA बोलते हैं, इथाइल एसिटो एसिटेट। ये जो सर इथाइल एसिटो एसिटेट आपने बनाया, इसमें कमाल की जो बात है वो ये है, इसमें भी देखो बीटा डाइकीटोन वाला केस बन गया, बना है सर, बिल्कुल बना है, क्यों नहीं बना। देखो सेम चीज है, सील बॉन्डो, सील बॉन्डो के बीच में CH2, बट फर्क क्या है, इस तरफ ये कीटोन नहीं है, ये तो एस्टर है, ये तो एस्टर हो गया जी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब इसकी अगर मैं इनॉल फॉर्म बनाऊं, पर्टिकुलरली एक इनॉल फॉर्म, लेट अस से ये अल्फा वन ये अल्फा टू, अगर मैं अल्फा टू से इनॉल फॉर्म बना दूं, ठीक है, अगर मैं अल्फा टू से इनॉल फॉर्म बना दूं, जैसे मैंने उस तरफ भी बनाई थी बीटा डाइकीटोन में, तो सर पता है क्या बनेगी, अगर मैं इसको यूज करके बना दूं तो बन जाएगी सर CH3 यहां पे COH, यहां पे डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी टू एच फाइव। अभी भी एक चीज नोटिस करो, यहाँ पाई एक छोड़ के पाई है और यहाँ पे इंट्रा एच बॉन्डिंग है, ये वाले केस में, ठीक है जी, ये जो केस है, पहली इंपॉर्टेंट बात, ये बीटा कीटो एस्टर है, क्या है, बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर का ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म, बीटा कीटो एस्टर का इनॉल फॉर्म है, इट हैज बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई, पाई पाई रेजोनेंस भी है और इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग भी है, स्टिल ये इनॉल लेस स्टेबल देन कीटो है जी, लेस स्टेबल। मेरी प्राची बात समझ आ रही है बेटा, हर वो इनॉल जिसमें दोनों चीजें हो, पाई पाई रेजोनेंस और इंट्रा एच बॉन्डिंग, जरूरी नहीं है कि वो कीटो से ज्यादा स्टेबल होगी, वो सिर्फ बीटा डाइकीटोन्स के केस में
हमने स्पेशल करके याद किया, इसलिए मैंने बोला एक्सेप्शनली मोर स्टेबल। ठीक है ना प्राची? बाकियों को समझ आया मैंने जो बात बोली? यस और नो? यस सर। हाँ जी कशिका बेटा, क्लियर हो रहा है? यस सर। तो जो इनॉल लेस स्टेबल है कीटो से, वो नॉर्मल केस में ही आ रही है, हालांकि इसमें दोनों चीजें होगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सर ऐसा क्यों हुआ? फिर सर ऐसा क्यों हुआ कि जो एसिटाइल एसीटोन था उसकी इनॉल फॉर्म एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल होगी, लेकिन जो इथाइल एसिटो एसिटेट था, बीटा कीटो एस्टर था, उसकी इनॉल फॉर्म में वही कंडीशंस हैं, इंट्राच बॉन्डिंग भी है और साथ साथ उसके अंदर पाई पाई रेजोनेंस भी है, लेकिन सर फिर भी सर ऐसा क्यों है कि इसकी इनॉल फॉर्म अभी भी कम ही स्टेबल है? उसका रीजन एक्चुअल में जाके आता है, एसिडिक नेचर से। तब नहीं किया था, अब बता सकता हूँ। अभी एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ, एटलीस्ट जो लोग मेरी क्लास लगाए कुछ एक्स्ट्रा तो पता लगे ना उसको, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं काम में आता है बेटा। सो अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ और कोई साथ में आके लगा रहा है तो उसका कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट करूं। लो जी देखो जरा, अब अगर मैं इनकी एसिडिक नेचर कंपेयर करूं, CH3CO CH2CO CH3 डबल बॉन्डो CH2C डबल बॉन्डो OC2H5। चलो पूछ लेते हैं किससे, मेरे को कोई बता सकता है कि अगर मैंने कंपैरिजन करा इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के एसिडिक एच का, कौन ज्यादा एसिडिक एच रखेगा और क्यों? सोच के आंसर बताओ जी। टॉटोमर्स भी रिवाइज हो गया, एसिडिक नेचर भी बीच में रिवाइज हो गया। आपने इन दोनों सर्कल्ड कार्बन के हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर का कंपेरिजन करा तो कौन सा जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा एसिडिक होगा, इसको जस्टिफाई करना है। जल्दी जल्दी बताओ जरा, ऐसे नहीं, थोड़ा फुर्ती से। शाबाश। किस हाइड्रोजन का किस कार्बन का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा और क्यों? क्वेश्चन तो सुनाई दे रही है सबको, यस और नो? यस यस। शाबाश, जल्दी से बताओ फिर कौन ज्यादा एसिडिक होगा और क्यों, कोशिश करो, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा। वेट कर रहा हूँ बेटा आपके आंसर की, है ना? आप आंसर दोगे तभी आगे बढ़ेंगे, फिर सिर्फ मेरे से ही ना कुछ पूछते जाओ, थोड़ा थोड़ा आप भी बताओ। कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट ट्राई करो, ट्राई करोगे तब बात बनेगी। हाँ जी माधवी, क्लास में हो? यस सर। करो बेटा ट्राई, शाबाश, जल्दी से। गुरमेहर? हाँ जी सर, एक मिनट। सर जी कौन बोल रहा है? गुरमेहर। हाँ गुरमेहर बोलो। सर जो OCH3 5 वाला, ये वाला? हाँ OCH5 वाला, वो जो एसिडिक होगा। हाँ जी। ओ क्यों बेटा? सर क्योंकि इसका माइनस इफेक्ट लगेगा, माइनस हाई इफेक्ट लगेगा। ओके चलो, एटलीस्ट यू ट्राइड इन द राइट डायरेक्शन, शाबाश। हाँ जी कोई और? हाँ जी विनायक, क्लास में हो बेटा? विनायक? यस सर। दस्तो बेटा आंसर फिर फटाफट, ये इतना औखा क्वेश्चन थोड़ी है। नेटवर्क इशू आ रहे हैं सर थोड़े से। ओहो हाँ जी, और कोई ट्राई करेगा जी? सर हाँ जी माधवी। सर इसमें जो सेकंड वाला है इनॉल, नहीं जो OC2H5 वाला है इनॉल वाला, उसमें किसका एसिडिक एच ज्यादा एसिडिक है, एक्स का या वाई का? चलो मैं बता रहा हूँ, ध्रुव गुप्ता का ट्राई करना चाहोगे बेटा? चलो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ही कर देता हूँ।
मुझे था कि शायद अब तो आपको मैंने टाइम दिया है, टॉपिक्स बता दिए, शायद आप मेरे को बता दो। प्राची आंसर नहीं बताया, सहज यू देयर इन क्लास? यस सर, यस सर। ठीक हो? आंसर बताओ बेटा। चलो जी फिर मैं बताता हूं। अगर इन दोनों की एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है तो हम कैसे करते हैं, याद है ना जी? ये मैंने कॉन्जुगेट टेंस बना दिए, नेगेटिव कॉन्जुगेट टेंस। देखो टॉटोमेरिज्म को समझने के लिए एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर को समझने के लिए स्टेबिलिटीज, सारे टॉपिक्स लिंक्ड हैं, इसलिए यही टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जरा जी, तो अब फर्क देखो सर, फर्क सिर्फ इन दो ग्रुप्स का, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OC2H5 है। ध्रुव गुप्ता ने बिल्कुल ऑलमोस्ट सही आइडेंटिफाई कर लिया था। देखो जी CH3 का होता है प्लस आई इफेक्ट, है ना, और OC2H5 का होता है प्लस आर माइनस आई। प्लस आर कैसे लग गया यहाँ पे? ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में होगा सर, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में होगा सर इसके साथ, तो ये प्लस आर माइनस आई। प्लस आर माइनस आई में से बड़ा कौन होता है, जल्दी बोलो सर। प्लस आर, तो सर इसका मेन इफेक्ट प्लस आर है, इसका मेन इफेक्ट प्लस आई है, तो अल्टीमेटली ये प्लस आर बड़ा है और ये मोर प्लस इफेक्ट लगा रहा है, और मोर प्लस इफेक्ट लगा के लेस स्टेबल नेगेटिव आयन कर देगा। अगर ये लेस स्टेबल नेगेटिव आयन कर देगा, हेंस वाई जो है वो लेसर एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि जिस एसिड का कॉन्जुगेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है वही एसिड जो होता है ज्यादा एसिडिक होता है, और जिस एसिड का कॉन्जुगेट आयन कम स्टेबल होता है फिर वो एसिड कम एसिडिक हो जाता है। बोलो जी समझ आई बात सबको, सही यस और नो? यस सर। तो फिर वाई जो है वो लेसर एसिडिक है। ओके अब आपको बता दूं जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है, तो जब कि इनॉल फॉर्म की हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, देखो पॉइंट पे पॉइंट बता रहा हूं आपको, रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है जी। इन कीटो इनॉल टॉटोमर्स, ठीक है जी, परसेंटेज ऑफ इनॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म। पहली बात तो ये बिल्कुल, जितना इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती जाएगी उतना उसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्या सर? ऑल्सो इफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल नॉट मच डिफरेंट या इफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल नॉट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर अगर स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ना हो देन परसेंटेज इनॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कीटो फॉर्म। ये एक मैंने आपको एडिशनल नई चीज बताई है, मैं अभी तक ये चीजें याद कराता था कि भी याद कर लो कि भी जो बीटा डाइकीटोन है उसका इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है एक्सेप्शनली कीटो से, लेकिन बीटा कीटो एस्टर का नहीं होता। लेकिन उसका असली लॉजिक लो, मैंने जिसने मेरी आज ये क्लास लगाई उसका फायदा कर दिया जी। लो जी ये इंपॉर्टेंट है, अगर स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ना रहे, मतलब अगर स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल में ज्यादा फर्क नजर ना आए, देन परसेंटेज इनॉल is directly proportional to acidic nature of alpha hydrogen of keto form. अब जब मैंने क्या देखा, अगर ये पॉइंट लिख लिया, देखो जो लिख रहा है जी लिख लिया इतना, अगर लिख लिया तो वापस मैं जरा आता हूं ऊपर, ये लो जी ये लो सर, ये एसिटाइल एसिटोन था सर, ये उसका इनॉल फॉर्म था, ये वाला जो था, ये वाला जिसको हम इनॉल टू बोल रहे थे, इसमें भी सर पाई पाई रेजोनेंस और इंटरैच बॉन्डिंग थी सर, इसमें भी पाई पाई रेजोनेंस और इंटरैच बॉन्डिंग थी। अब सर इन दोनों इनॉल्स के अंदर स्टेबिलिटी वाला डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं रहा क्योंकि एक जैसे फैक्टर्स लग गए। अब सर फिर कौन सी इनॉल की परसेंटेज ज्यादा होगी जिसका अल्फा ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन जिसका अल्फा ज्यादा एसिडिक किस फॉर्म में होगा, इनॉल फॉर्म में या कीटो फॉर्म में?
कीटो फॉर्म में. तो इनकी इन दोनों इनॉल फॉर्म की करस्पॉन्डिंग कीटो फॉर्म्स कौन सी हैं? इसकी ये रही और इसकी तो ये है ही. अब इन दोनों में से अभी बताया, प्रूव करा कौन ज्यादा एसिडिक है, ये वाला ज्यादा एसिडिक है, तो इसकी इनॉल फॉर्म की परसेंटेज फिर ज्यादा होगी. करते करते इतनी ज्यादा होगी कि कीटो से भी ज्यादा होगी. लेकिन इथाइल एस्टो एस्टेट की, उसकी अभी भी परसेंटेज इनॉल कीटो से कम ही रही. बोलो सबको समझ आया ऐसे, यस और नो? यस. चलो जी, बढ़िया हो गया जी. ये हमने फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लिया जी. अब एट्थ क्वेश्चन, किसी ने डाउट पूछा था, किसी ने मेरे से एट्थ क्वेश्चन डाउट पूछा था, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म. किसका डाउट था बेटा एट्थ क्वेश्चन, बताओ दोबारा से. ध्रुव और कार्तिक दोनों का था. यस सर. बेटा टॉटोमेरिज्म के लिए हमने क्या देखना था? सी डबल बॉन्ड ओ के रिस्पेक्ट में अल्फा एच होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? यस सर. अब ये सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, लो जी, इसके रिस्पेक्ट में ये रहा अल्फा एच, ये वाले कार्बन पे दो अल्फा एच होंगे, हमें तो एक चाहिए, तो बन गई बात. सर सर ये रहा सील बॉन्ड, इसके रिस्पेक्ट में सर ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, ये भी बन गई सर बात. सर ये सील बॉन्ड हो तो इसके यहाँ पे, तो यहाँ पे तो नो अल्फा एच, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं. दूसरी तरफ चलो सर, ये अब सर ये हमने कहा था ये बन गया स्पेशल केस, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया. अब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया. अब सर इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, और सर इस पे फिर से क्या होंगे? अल्फा एच. तो विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, आंसर इसमें 1, 2, 3 आना चाहिए. आंसर क्या दिया हुआ इसका? यस. अब क्लियर है जी सबको? बोलो यस और नो. यस. ये स्पेशल केस होता है, जिसने टॉटोमेरिज्म वाला टॉपिक अच्छे से रिवाइज नहीं करना वो कर लेना, बट क्वेश्चंस आते हैं इसके आजकल अच्छे खासे. चलो जी, एट्थ क्वेश्चन हो गया जी. नाइन्थ तक हमने डाउट डिस्कस कर लिए जी, आगे आते हैं फटाफट से. ओके जी, हमारे क्वेश्चन नंबर 14 तक अगर किसी का डाउट है तो फटाफट से पूछो, जल्दी से जल्दी, फुर्ती से. 14 तक किसी का कोई डाउट नजर नहीं आ रहा जी मेरे को. चलो जी आगे चल पड़ते हैं. 14 तक नहीं है, बढ़िया बात है जी. 14 तक नहीं है, ओके जी. 19 तक किसी का कोई डाउट हो जी पूछ लो. 20 तक सर. 18th. हाँ जी, 21 तक कोई और डाउट रह गया हो जी किसी का? 12th. कौन बोला? प्राची. यस. तो थोड़ा सा बेटा जल्दी, ट्यूबलाइट की तरह क्यों चल रहे हो, थोड़ा जल्दी चल पड़ो, सुस्त हो गई क्यों बैठती क्लास में? 12th. हाँ जी, 21 तक किसी का कोई और डाउट रह गया हो जी लास्ट बार? 12th पे आ गए जी. ठीक है जी, 12th क्वेश्चन पे आ गए. 12th में कहता जी पायरोल पे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है? हमारी शीट का क्वेश्चन था बेटा, PSGOC का. चलो जी, इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं रेजोनेटिंग. अगर मैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं बेटा, तो ये लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये पाई यहाँ जाएगा. तो ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये एज इट इज एक स्ट्रक्चर बन गया. ठीक है सर. आगे सर, नेगेटिव पाई रेजोनेंस करी मैंने, नेगेटिव पाई रेजोनेंस करी सर. सर एक और स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा तो सर ऐसे बन जाएगा. इस पे एच लगा हुआ था, ऐसे इस पे भी एच लगा हुआ है. अब इस बॉन्ड को तो मैंने नहीं छेड़ा, एक सेकंड, एक सेकंड दोबारा बना लेते हैं. मैंने फिर से रिंग बनाई, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन. अब मैंने इस बॉन्ड को नहीं छेड़ा. अब मैं क्या करता हूँ, इस नेगेटिव को यहाँ ले आता हूँ और इस पाई को यहाँ ले जाता हूँ. ऐसा करा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव था. देखो क्लियर है यहाँ तक प्राची? Yes. ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है और ये स्ट्रक्चर 3 है बेटा. यहाँ तक तो ठीक हो गया. अब सर आप मुझे बता सकते हो प्राची, 2 और 3 में से कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल ज्यादा है? सेकंड वाला. क्यों? क्योंकि थर्ड में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है. वो तो सेकंड में भी है. अच्छा ठीक है. खाना खा के बैठा कर, भूखे पेट ना बैठा कर, समझी? थर्ड वाला, क्योंकि इसमें चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस क्लोजर है, ऑपोजिट चार्जेस क्लोजर है. इन चीजों में तो मैं चाहता हूँ कि आपकी 100% एक्यूरेसी हो जाए बेटा. तो ये तो मुझे पूछना ही नहीं चाहिए, आपको आनी चाहिए चीजें. ठीक है जी, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है तो मोर कंट्रीब्यूटिंग है. बोलो जो सही है कि नहीं? यस सर.
मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग है तो एक सेकंड चेक करो कौन कौन सी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये कौन सी पोजीशन थी, ये वाली, अच्छा गलती से 1 2 3 यहाँ 4 5 आना चाहिए था ना, ठीक है प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहाँ 5 आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। अब एक पोजीशन इसमें फिफ्थ पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, फिफ्थ पे, तो 3 और 5 में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा है, 3 की या 5 की बताओ, 5 5 तो 3 वाला आउट, 3 वाला आउट, 3 वाला आउट, एक ही ऑप्शन बचा। यहां तक क्लियर है प्राची? यस सर। अब 2 कैसे आ गया सर, 2 को लाने के लिए हमें रेजोनेंस उल्टी साइड करनी पड़ेगी। अगर लोन पेयर को पहले मैंने राइट साइड की तरफ रेजोनेंस की थी तो फिफ्थ वाले के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती हुई नजर आ रही थी। अगर मैं वही रेजोनेंस में लोन पेयर से शुरू करता और उसको कहां ले जाता, राइट की बजाय लेफ्ट वाले पाई बॉन्ड की तरफ, सारा कुछ उल्टा बन जाता और फिफ्थ कार्बन की बजाय सेकंड कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती। वैसे भी यहां देखो ये दोनों कार्बन आपको एक जैसे लग रहे हैं, आइडेंटिकल है सेकंड और फिफ्थ, तो अगर फिफ्थ पे ज्यादा है तो इनडायरेक्टली सेकंड पे भी ज्यादा है। क्लियर है प्राची? यस सर। चलो ये हो गया जी 12th क्वेश्चन। चलो 12th के बाद बोला गया 8th क्वेश्चन, कहते जी इसका IUPAC नेम बताओ। देखो जी, अब देखो बेटा यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक ये, ठीक है जी, एक फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी एक फंक्शनल ग्रुप है आपका ये वाला एल्डिहाइड और एक है ये वाला कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में से ये प्रिंसिपल ग्रुप है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। तो अब पेरेंट चेन है, प्रिंसिपल ग्रुप का इंक्लूड होना जरूरी है, तो पेरेंट चेन यहां से चल पड़ेगी, ये पेरेंट चेन चल पड़ी, ये पेरेंट चेन होगी, अब क्वेश्चन हो जाएगा। अब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स यूज होता है और प्रिंसिपल के लिए सफिक्स यूज होता है। कार्बन कितने होंगे काउंट कर लेते हैं सर। सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 तो सर हेक्स आएगा पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन के लिए हेक्स के बाद सर यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 हेक्स के बाद सर 5 पे ईन आएगा, 1 पे अल आएगा और सर 3 पे एक तो कीटो है, 3 पे कीटो है और सर 2 पे मिथाइल है, 3 कीटो 2 मिथाइल, हेक्स 5 in 1 अल, आंसर आ गया। बोलो उधर क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, 21 तक हो गए जी, आगे आते हैं बेटा 28 तक। कोई डाउट हो जी हरी जल्दी से जल्दी, 28 तक किसी का कोई डाउट हो? नो सर। ओके जी, और किसी का भी कोई डाउट नहीं है जी, 28 तक लास्ट बार वेट कर लेते हैं, किसी और को कोई डाउट हो जी। प्राची 28 तक कोई डाउट हो फिर बाद में लेट पूछोगे? नो। ओके चलो। हाँ जी कशिका कोई डाउट नहीं पूछ रहे बेटा, 33 तक कोई डाउट हो? सर होगी बीच में। ओके बेटा, कोमल क्लास में हो? यस सर। ओके बेटा 33 तक कोई डाउट हो जी किसी का, वेटिंग फॉर डाउट्स। 30th ओके जी, और कोई डाउट हो जी किसी का 33 तक? ओके 30 कौन सा बेटा? 32 मेरी क्लास एक बार वाइंड अप होने वाली है, मतलब मीटिंग खत्म होने वाली है, रीज्वाइन कर लेना प्लीज, है ना, मैं करा दूंगा जो 2-4 डाउट्स आपके हैं, कुछ ना कुछ नया भी सिखा ही दूंगा। जो लोग हिम्मत मार के डाउट क्लास में आएंगे, चाहे उनके डाउट्स नहीं होंगे, दूसरे का डाउट सुन के क्लैरिटी आएगी, प्लस हर डिस्कशन क्लास में कुछ ना कुछ तो टीचर अच्छा बताता ही है, काम आ जाएगा, ठीक है। और प्लीज अपने टेस्ट को सीरियसली लेना, है ना, और रिविजन कर लेना बेटा, तभी फायदा है। ओके 30th क्वेश्चन, अगर कट गया बीच में तो याद रखना रीजन करना। 30th, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बस फंस गया जी यहाँ पे आके, बेस है, अब बस इसमें पूछ क्या रहा है, मोस्ट रिएक्टिव टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस, दैट मींस इनडायरेक्टली वो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड पूछ रहा है। अब ट्राई हो जाएगा जी, मोस्ट एसिडिक इसमें पक्का पक्का, यहां से अगर मैं H प्लस निकाल दूं, ठीक है निकाल दूं, तो इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा और वो जो पीछे कॉन्जुगेट आयन बनेगा वो एरोमेटिक कॉन्जुगेट आयन बनेगा, ऐसा किसी में भी और नहीं बनेगा। तो मेरी बात यहां तक क्लियर थी ना सबको, एवरीवन? यस और नो? यस। तो Na2CO3 क्योंकि बेस था तो उससे ज्यादा रिएक्टिव होने का इनडायरेक्टली मतलब था कि सबसे एसिडिक कौन है, और सबसे एसिडिक मेरे हिसाब से थर्ड वाला होना चाहिए था, इसका लच्छे जो कॉन्जुगेट आयन था, कॉन्जुगेट आयन विल बी एरोमेटिक,
अगर मैंने इसमें से H प्लस निकाल दिया तो उसका कॉन्जुगेट आयन एरोमेटिक बन जाएगा, जो कि बहुत स्टेबल है, ऐसा कोई और नहीं बना रहा, तो इसलिए इसका H सबसे एसिडिक होगा, यही सबसे रिएक्ट करेगा Na2CO3 से, अगर Na2CO3 को मैंने एज अ बेस मान लिया। ये हो गया जी 30th क्वेश्चन। ओके जी, क्लियर हो गया। 30th के बाद 32nd डाउट था जी। कह रहा बेटा द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। सेम चीज बेटा, ये सारे इनमें ना डायपोल मोमेंट वैसे तो सब में पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हुआ है, लेकिन जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो हमने ये वाला दिया हो, ये अगर मैं ऐसे इसको तोड़ के स्ट्रक्चर बना लूं इसका, याद हमने क्लास में किया हुआ है, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ओ वाला बॉन्ड शिफ्ट कर दूं ओ की तरफ, पाई बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड यहां ले गया तो ओ पे आया माइनस, सी पे आया प्लस, तो ये वाला जो पार्ट है ये अगेन एरोमेटिक है, तो ये आयन, ये वाला मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से एग्जिस्ट कराना चाहेगा, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है वो एरोमेटिक है, ऐसा किसी और में नहीं हो रहा, तो ये इसीलिए तो हमने इसको क्वाजी एरोमेटिक बोला हुआ है क्लास में, हमने इसको याद किया हुआ है, ये क्वाजी एरोमेटिक होता है, और क्वाजी एरोमेटिक जो होते हैं हाईली हाई डायपोल मोमेंट वाले होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बॉन्ड तोड़ के जो एरोमेटिक नेचर आती है तो वो एरोमेटिक आयन बनते हैं। देखो ध्यान से, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो डायपोल तो बन गया। अब क्लियर है कोमल? यस सर। चलो जी, 32 तक, 33 तक हो गया जी। हाँ जी, 38 तक किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो जी फटाफट से। नो सर। ओके जी, 38 तक किसी का कोई डाउट नहीं है। 35th है जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ओके जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। एक इंपॉर्टेंट बात देखो जी, प्लस वन की, देखो मैं आपको बताता हूँ, प्लस वन की जब हमने जीओसी करी थी तो हमने बेसिक नेचर छोड़ा था, बेसिक नेचर्स नहीं करा था, नॉट डन, जब प्लस वन में करी थी। जब प्लस टू के अंदर प्लस वन की जीओसी करी थी तब मैंने बेसिक नेचर कराया था। सारा कुछ छोड़ो, बेसिक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी का, बेसिक नेचर मैंने आज मैसेज किया था, बेसिक को तो हाईलाइट करके किया था। ये फ्रॉम आपने अमीन्स वाला चैप्टर अभी जो एंड में किया था, फ्रॉम अमीन्स चैप्टर, सबको याद है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ये आपने जीओसी के लिए वहां से रिवाइज करना है। देखो बेटा, मैं डरा नहीं रहा, लेकिन जो इस बार टेस्ट आएगा पहला RT1 जो जेई मेन्स वाला है, नीट वाला तो सिंपल है, जो जेई मेन्स वाला है वो सोच के करने वाला टेस्ट है, मुश्किल नहीं है। ऐसे ही नहीं है कि देखते ही क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको ध्यान से कॉन्सेप्ट्स यूज करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, बेसिक नेचर फ्रॉम अमीन्स चैप्टर रिवाइज जरूर कर लेना, तभी बात बनेगी। चलो अभी के लिए एक बार करवा ही देता हूँ यहाँ पे। देखो जी, अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट ये ग्वानिडीन टाइप नजर आएगा आपको। अभी ग्वानिडीन क्या होता है और ग्वानिडीन टाइप क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ क्लास में, ये ग्वानिडीन टाइप है। ग्वानिडीन या ग्वानिडीन टाइप जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, एक बार रिकॉल कराया तो बाकी आप क्लास में से पढ़ लेना जी। देखो ये NH2C डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे NH2, सॉरी C डबल बॉन्ड NH, ठीक है ये। तो ये जो कंपाउंड होता है इसको हम ग्वानिडीन बोलते हैं, ग्वानिडीन। अब मैं आपको इसका एक और नाम बता देता हूँ, अगेन बोनस ऑफ अटेंडिंग दिस क्लास, दीज आर इमिडीन्स, ऐसे बोलते हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें क्या खास बात होती है जी, ये देखो जी, इसमें NH2 ठीक है सी डबल बॉन्ड N के साथ जुड़ा होता है, NH2 सी डबल बॉन्ड N के साथ जुड़ा होता है, इसको इमिडीन्स बोलते हैं जी। सी डबल बॉन्ड N के साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH2। और इसमें फिर खास बात क्या हो जाती है, ऐसे सिखाए थे आप, NH2 का लोन पेयर रेजोनेंस में आ जाएगा और ये पाई आगे जाएगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा NH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N नेगेटिव। लो जी, अगर मैं मान लूं कि यहां पे इसका एक और बॉन्ड किसी और से बना रहा, R लगा हुआ है, यहां R लगा हुआ है, ठीक है सर। अब इस पे तो पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, लेकिन इस कारण से जो N नेगेटिव, जो N था ये वाला, ये हाईली बेसिक हो गया। जब भी NH2 सी डबल बॉन्ड N के साथ लगाओ तो ये अपना प्लस R इफेक्ट लगा के सी डबल बॉन्ड N वाले N को हाईली बेसिक बनाता है,
और इसको हम गोनिडिन टाइप बोलते हैं। तो ऐसा यहाँ पे बी पार्ट है, तो इसमें बी पार्ट जो है सबसे बेसिक होना चाहिए, बी पार्ट। उसने पूछा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, सॉरी बी नहीं है, सी है इस केस में, वो मॉलिक्यूल सी है, तो सी सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट होगी, बी एलिमिनेट होगी। अब सी सबसे ज्यादा बेसिक है। अब हमेशा जब क्वेश्चन करो ना ऐसे ऑर्डर वाले, तो सारा आंसर मत फाइंड करने लग जाना, पहले सबसे ज्यादा बेसिक फाइंड कर लो, फिर सबसे कम वाले को कंपेयर कर लो, अगर वहां से जल्दी आंसर आता है तो जल्दी जल्दी मार्क कर लो। तो जैसे अब यहाँ पे सबसे कम या तो डी बी है या डी है, एक बार चेक कर लो बी और डी को, बी ये है डी ये है। अब ध्यान से देखना जी, ये वाला जो एन एच है इसमें हाई परसेंटेज एस है, क्यों? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है। ये वाला इसमें लेस परसेंटेज एस है, जितना लोन पेयर वाले एटम के ऊपर परसेंटेज एस ज्यादा होता है, सॉरी जितना लोन पेयर वाले एटम के ऊपर पाई बॉन्ड ज्यादा होते हैं, ट्रिक था ये कि उसमें परसेंटेज एस ज्यादा है, और जिसका परसेंटेज एस ज्यादा है वो लेस बेसिक होता है। तो हमारे हिसाब से बी सबसे कम बेसिक होना चाहिए, तो आंसर इसका सी आएगा। बोलो दानिश, डाउट क्या है? सर मैं ये पूछ रहा था कि ग्वानिडिन जो है वो इमिडीन का टाइप है? नहीं, इमिडीन तो नहीं, चलो मैं एक कम, ग्वानिडिन इज इन स्पेशल केस ऑफ इमिडीन। इमिडीन यस, ग्वानिडिन एग्जांपल ऑफ इमिडीन है। इमिडीन एक क्लास को बोलते हैं, ग्वानिडिन तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम था जो ऊपर बताया था। ठीक है जी, जिसका 35 डाउट था उदय क्लियर हो गया? यस सर। देखो बेटा एक ध्यान से बात देखो, जिसको मैंने लीस्ट बेसिक बोला बी, उसमें भी सी डबल बॉन्ड एन था, जिसको मैंने मोस्ट बेसिक बोला इमिडीन या ग्वानिडिन टाइप, उसमें भी सी डबल बॉन्ड एन था। चेक कर लो आप, चेक कर लो, ये देखो यहां पे लोन पेयर होगा, एक सेकंड, यहां पे इस पे लोन पेयर होगा, यहां पे इस पे और इस पे। देखो इसका लोन पेयर तो वैसे आउट, ये डी लोकलाइज्ड है, डीएलपी है। अब ये डीएलपी नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड वाला है, लेकिन फर्क क्या पड़ गया? जो ऊपर वाला हाई परसेंटेज एस था उसके साथ रेजोनेंस में कोई एनएच टू ग्रुप नहीं आ रहा, जो लेकिन नीचे वाला सील बॉन्ड एन है उसके साथ रेजोनेंस में एनएच टू का लोन पेयर आ रहा है। जब एनएच टू का लोन पेयर सी डबल बॉन्ड एन के साथ रेजोनेंस में आके उसके ऊपर अपना प्लस आर इफेक्ट लगाए, जैसे मैंने यहां सिखाया था, तो वो फिर हाईली बेसिक कर देता है सी डबल बॉन्ड एन के लोन पेयर को, हालांकि सी डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर कम बेसिक होना चाहिए था। बोलो क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। यस सर। एवरीवन से यस बेटा, अगर क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है जी, 35 तक हो गया जी। ओके जी, 44 तक कोई डाउट हो जल्दी बोलो। ओके जी, 44 तक कोई डाउट नहीं है जी, आगे आ जाते हैं जी। 45 तक कोई डाउट रह गया? हरी, अब कोई डाउट रह गया हो जी एफआरएस के अंदर जल्दी से? सो 41 फिर बेसिसिटी का है बेटा, बेसिसिटी का क्वेश्चन है। चलो जी 41 को मैं स्टार लगा देते। 41 में ये आपका प्राइमरी अमीन है, ये आपका सेकेंडरी अमीन है, ये आपका टर्शरी अमीन है, और ये आपका डीएलपी वाला अमीन है, ये एराइल अमीन। इसमें लोन पर रेजोनेंस में है। तो भैया एक बात क्लियर है, सबसे कम बेसिक कौन हो गया बताओ? उदय में सबसे कम बेसिक कौन हो गया? डी, लीस्ट बेसिक। क्यों? लोन पेयर रेजोनेंस इन रेजो। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, या तो ये हो सकता है या ये। देखो इसमें अब डी वाला सबसे लीस्ट बेसिक है, ठीक है। अब बी और ए में ही कॉम्पिटिशन हो गया, उसको चेक कर लो। ये लो बी और ए में कौन ज्यादा बेसिक होता है बताओ जी? प्राइमरी और सेकेंडरी मीन्स में, सेकेंडरी मीन्स मोर बेसिक होते हैं। हमने जो अगेन जो अमीन्स चैप्टर में बेसिक नेचर करी है उदय, वहां से पढ़ना पक्का, याद रखोगे? यस सर। सो 1 degree अमीन लेसर बेसिक देन 2 degree अमीन, लेकिन 3 degree अमीन में लोचा था, ये लेस बेसिक देन एक्सपेक्टेड होते हैं जी, याद है? यस सर। तो वो चेक कर लेना। तो उस हिसाब से अगर देखे तो बी मोस्ट बेसिक होना चाहिए, तो आंसर ए पार्ट आना चाहिए। देखो क्लियर हुआ जी सबको, यस और नो? यस सर। यस सर। चलो जी सबको क्लियर है जी? कोई डाउट रह गया हो जी एफआरएस में? और अभी पूछो नहीं तो खत्म करें फिर। नो सर। ओके जी, नो सर। चलो अब मैंने जो हाइड्रोकार्बन्स वाली PS1 एल्केन्स की दी थी उसके तो मैंने सॉल्यूशंस ही डाल दिए बेटा, अब तो वो क्लियर ही होगी, क्योंकि ऐसी कोई खास बात है नहीं।
फिर अगर कोई डाउट रह गया तो वो हाइड्रोकार्बन जब डिस्कस करेंगे तभी कर लेंगे। आज मुझे बस पहले जीओसी वाला पार्ट डिस्कस करना था। एक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक वाला पार्ट भी आना है। प्लस वन में हमने बेसिक ऑर्गेनिक में वो भी करा था, वो भी रिवाइज कर लेना। अब मैंने मेरे लिए टास्क किया है, मैंने आपको टॉटोमर्स के लेक्चर्स देने हैं, जिन्होंने लगाने हैं वो लगा पाए, वो मैं डाल दूंगा ढूंढ के कल तक। बाकी लोग अपनी तैयारी करते रहो बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा 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 भी रोज रोज करोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ दानिश बोलो बेटा। सर मुझे रिवीजन में एक एडवाइस लेनी थी कि मैं जो पुराने लास्ट ईयर के 11th के नोट्स थे उनको प्रेफर करूं या एनसीईआरटी को, क्योंकि मैं दोनों करूं तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा बट टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। एनसीईआरटी नहीं करनी बेटा, नोट्स अपने कॉपी के रिवाइज करने हैं, बस मोर देन सफिशिएंट है। सर बट इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, नोट्स पूरे नहीं बनाए थे लास्ट ईयर जो थोड़े बहुत रहे। बेटा फिर किसी से हेल्प लो, कोई यार दोस्त ढूंढो, कोई बिल्ली ढूंढो जो हेल्प करे। एनसीईआरटी तो बहुत इनकम्प्लीट है बेटा, एनसीईआरटी से तो नहीं बात बनेगी। विनायक तू नोट्स ले गया, उन पढ़ लेगा? हाँ जी सर। पक्का देख ले, नंबर नहीं कटने चाहिए, नोट्स पढ़ के आना है बेटा। ऐना होवे कहले आलस मार जाए भी, हाँ यार पढ़ने की लोड ही नहीं है, आदत है गई। कुछ टॉपिक्स होते हैं बेटा ऐसे लगता है बट एक बार गो थ्रू करना। बॉडी बहुत मेहनत की है बेटा, मेहनत कर करके नोट्स बना, ऐसी यूज ही ना कितने फिर फायदा की। हाँ जी सर, रीड करूंगा पक्का। ठीक है बेटा, चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना बहुत है, डाउट्स कर लिए। मैं अगली FRS जल्दी डाल दूंगा कल, थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ, करते रहो है ना। प्लीज अभी टाइम है हमारे पास, जैसे मैंने मैसेज डाला था जल्दी ही अनाउंसमेंट होने वाली है, फिर उससे पहले कि बाद में प्रेशर बने, अभी थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, मोमेंटम बना के रखें। ओके बेटा, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर।